2021 आ चुका है और 2021 जनवरी में कई ऐसे खबरें आई हैं जिससे बच्चों को कहीं ना कहीं एक खुशी का एहसास तो हो ही सकता है, क्योंकि देखिए पूरी खुशी तो तभी आती है जब भर्ती हो जाता है बच्चा, लेकिन अगर वैकेंसी ही नहीं आती तो भर्ती कैसे होगा। यहाँ पर वैकेंसी आने की सूचनाएं आनी शुरू हो चुकी है, जैसे देखिए आप देख सकते हैं हजारों पदों की भर्ती अगले माह, मतलब जनवरी से अगला महीना कौन सा होता है, फरवरी, तो फरवरी में हो सकती है हजारों पदों की भर्ती। क्या है पूरी खबर, MTS 2 फरवरी और कांस्टेबल GD के लिए 25 मार्च से मांगे जा सकते हैं आवेदन, मतलब SSC MTS के जो फॉर्म होते हैं उनके लिए आवेदन 2 फरवरी से मांगे जा सकते हैं, वहीं अगर SSC GD की बात करें तो 25 मार्च से मांगे जा सकते हैं ये आवेदन। देखिए पूरी खबर क्या है भाई, कर्मचारी चयन आयोग SSC अगले महीने फरवरी एवं मार्च में 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आयोग फरवरी की शुरुआत में MTS मतलब मल्टी टास्किंग स्टाफ के लगभग 8,000 पद, देखें यहाँ पर कितने बताए हैं इन्होंने, लगभग 8,000 पद, और 25 मार्च को केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए कांस्टेबल GD के 40 से 50 हज़ार पदों पर भर्ती की घोषणा कर सकता है। तो बहुत बड़ी भर्ती है भाई, 40 से 50 हज़ार वैकेंसी बहुत बड़ी भर्ती होती है, तो बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं इसकी तैयारी में लगे हुए भी हैं, और जो अभी तक नहीं लगे हैं, जो कोरोना में आराम से बैठ गए हैं, वो भैया कहीं ना कहीं अपने जो जंग लगे लग चुके हथियार हैं उन्हें अब साफ करना शुरू कर दें और तैयारी में लग जाएं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी वार्षिक कैलेंडर में SSC की इन 2 बड़ी परीक्षाओं की घोषणा की गई है। कोरोना संकट के कारण परीक्षाओं का कार्यक्रम बदल जाने के बाद 2020 की 2 बड़ी परीक्षाओं के लिए आवेदन 2021 में मांगा जा रहा है। देखिए दोनों ही जो है भर्ती होनी थी कब, 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण सभी कुछ ठप हो गया और उसके चलते यहाँ पर जो है क्या हुआ कि अब ये भर्तियाँ 2021 में आएगी। अगर बात करें वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से SSC की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ जो है 2020 के लिए 2 फरवरी 2021 से और 18 मार्च 2021 के बीच आवेदन लिया जाएगा, मतलब MTS के लिए जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट होगी जो कैलेंडर दिया गया है उसके अनुसार वो 2 फरवरी से 18 मार्च के बीच होगी, ठीक है जी। साथ ही साथ अगर आगे बात करें आयोग की ओर से MTS के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 1 से 20 जुलाई के बीच होगी, जो पेपर है वो 1 जुलाई से 20 जुलाई, मतलब आप देखें आपके पास टारगेट है कि अगर ये फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं तो जुलाई में आपको पेपर देना है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करके चलनी होगी। इसके साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल GD परीक्षा के लिए आवेदन 25 मार्च 2021 से शुरू होंगे और कांस्टेबल GD के लिए आवेदन 10 मई 2021 तक चलेंगे, मतलब आवेदन जो है 25 मार्च से और कब तक, 10 मई के बीच तक चलेंगे GD के लिए। आयोग कांस्टेबल GD के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 से 25 अगस्त के बीच कराएगा और जो पेपर है वो 2 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में आपका SSC GD का पेपर होने वाला है। कांस्टेबल GD के तहत SSB CAPF CRPF असम राइफल BSF सहित केंद्रीय सेवाओं के लिए सिपाही भर्ती होते हैं, तो ये पूरी जानकारी है भैया। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि आपके लिए 2 बड़ी भर्तियां आ रही हैं और उन दोनों भर्तियों के अगर तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार काम होता है तो आपको पहले से ही पता है कि पेपर कब कब देने हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।